तो सब मेरे दोनों झुंड है ना, जो दोनों झुंड खराब थे, मैं यहाँ जाँच जूच करवाई तो डॉक्टर बोले बोले भाई ऑपरेशन होगा। मैं बोला सही हो जाएगा, बोला पहले की तरह टकाटक हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तेरे को, जैसे पहले था ना वैसा ही हो जाएगा, दोनों झुंडा का ऑपरेशन होगा। मैं बोलो कर दो साहब। तो एक झुंड का ऑपरेशन तो मेरा हो गया, मेरे को नींद नहीं आती थी, निगाह आराम से सो उठूँ, कल ऑपरेशन हुआ था, निगाह आराम से सो उठूँ। तो एक झुंड का ऑपरेशन हुआ, एक झुंड का ऑपरेशन 15-20 दिन बाद के मायने दिक्कत ये थी मेरे से, नहीं तो बैठा जाता था, लाइटिंग बाथरूम जाता था ना, बैठा नहीं जाता था, खड़ा खड़ा ही लाइटिंग बाथरूम करता था, कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अब मैं जो हूँ, पहले कोई दान गिरी थी, पहले जो बुढ़ा पाया ना, जो ही बेटी जो परेशानी आ गई, जब से मेरा दर्द नहीं था। अब डॉक्टरों की सलाह ली, इतना 5-4 डॉक्टरों की सलाह ली तो बोले सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तेरे को। हमारी माता जी थी ना, उसके एक घुटना में दिक्कत थी, घुटना में दिक्कत थी, 2-4-5 बार यहाँ ले आया, एक बार फर्स्ट में ले आया तो एक कटोरी पानी की निकाली उसमें, फिर बोले माता जी अब दवाई दे देनी सूखने की, अब पानी नहीं आएगा। फिर वो जो आया जना, मैं खुद साथ आया था, तो एक पश्चे पानी की फिर निकाली, बोले माता जी क्या चक्कर है, पानी सूखने की दवाई दे देनी, दवाई सूख कैसे नहीं रहा पानी। फिर अब 2-3-4 महीना पहले माता जी का ऑपरेशन करा दिया, घुटना करा दिया, घुटना करा दिया तो वो सही होगी, निकल 2-3 किलोमीटर डोलिया होते निकल घूमया होता, 80-85 साल गए। और मेरे को बोले बोले तू ऑपरेशन करा ले। मैं बोली मैंने तो डर लागे थे। माता जी बोली बोली रे तूने डर क्या लागे थे, मैं बैर बैर लुगाई की जात छू, जो ऑपरेशन करा ली थी तू मोटियार हो गया ना जना, फिर मैं यहाँ कर लेना, चल मराएंगे और भी कुछ ऑपरेशन कराएंगे, फिर मैं कल ऑपरेशन करवाएंगे। सलाह ये देता चाहता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर है और आपका आराम से कोई दिक्कत नहीं है, इतना दर्द तो अब चलते हैं, कांटा कांटा कट जाता है उसका भी हो जाता है, कोई दर्द उर्द नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल के लिए ये गिन्नी देवी हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी सही है।